आजकल एक ये आइडिया बहुत पॉपुलर हो गया है कि हमें एक दूसरे के साथ जैसे वल्नरेबल होना चाहिए, कि अपनी प्रॉब्लम्स और ये फ्रेंडशिप्स और इसमें काफी हुआ है कि जरूर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से, क्योंकि उसी से फिर एक क्लोजनेस आती है। तो यानी हमारे दीन का इस चीज के बारे में क्या है, क्योंकि हमें तो मेनली अल्लाह सुभान व तआला से ही शेयर करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स। असल में एक वेस्टर्न माइंडसेट है, खास तौर पे ये मतलब जैसे एक जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों में, यंगस्टर्स में भी एक बहुत ज्यादा चल रहा है ना, कि मतलब किसी यानी ट्राई बिफोर यू बाय। तो वो अब किसी से शादी करनी है तो उससे पहले इतनी दोस्ती कर लें और उसको अच्छी तरह परख लें, आजमा लें, तो फिर उसके बाद मतलब जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड आदमी से शादी करेंगे। और उसके पीछे असल में जब इंसान अपनी अकल से ही अपने रास्ते निकालता है ना, तो वो एक हद तक ही निकाल पाता है, वो पूरी सोल्यूशन बनता नहीं है उसका। लेकिन जब वो अल्लाह पे ट्रस्ट करता है और अल्लाह से चाहता है, मांगता है, तो अल्लाह ने तो अपना कानून बता दिया कि भाई पाकीज़ा लोगों को अल्लाह ताला पाकीज़ा लोग अता करेगा अगर हम मांगेंगे। और इसी तरह लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब मियाँ बीवी के ताल्लुक में हमें चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, उसके वक्त का ख्याल रखें, उसकी कंफर्ट का ख्याल रखें। ये जो वल्नरेबल होने वाली बात है कि मतलब कोई लिहाज नहीं करना, ये ठीक नहीं है, ये आप इसको समझ सकती हैं। असल में हमें किसी भी अमल को करते हुए ये सोचना है कि मैं अपने हर अमल का के लिए अकाउंटेबल हूँ या आंसरेबल हूँ, ये एहसास जिंदा रहना चाहिए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे वर्क प्लेसेस पे, मोस्टली जो वर्क प्लेसेस होती हैं वहां पे आजकल एक अजीब सा ट्रेंड है। मतलब आई डोंट नो, लोगों के डिफरेंट होंगे, लाइक मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मोस्टली, तो उसमें इन स्पाइट ऑफ डूइंग मुझे ये लगता है कि आई एम गेटिंग इन टू अ विक्टिम पर्सनैलिटी। जैसे कि लोगों के रवैया जात जो है ज्यादातर, जैसे किसी गलत चीज को देखना और उसको आगे विसल ब्लो ना करना और आप चुप खामोश रहना। तो इस पे सर आप क्या, अगर मेरा क्वेश्चन आपको फॉलो कर गया तो इस पे आपका क्या अमल होगा, आप क्या कहेंगे?